डिग्री प्रूफ करना है, वो दिया हुआ नहीं है। तुम्हारा दिया क्या है, इन ट्रायंगल एबीसी, आपका एबीसी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, इट मींस डैट एबी इक्वल्स टू एसी है। लिट दिस इज एंगल नंबर वन, दिस इज एंगल नंबर टू, दिस इज एंगल नंबर थ्री, एंड दिस वन इज फोर। एनी डाउट? गिवेन इन ट्रायंगल एबीसी एबी इक्वल्स टू एसी, क्लियर? अपोजिट ऑफ एबी एंगल नंबर टू, एंड अपोजिट ऑफ एसी एंगल नंबर, क्लियर है? लिखो एकदम नहीं, एंगल टू इक्वल टू एंगल वन, क्लियर है यहां तक? नाउ और आपको दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए डी। बोलो, यू हैव टू प्रूव डैट, यू हैव टू प्रूव डैट एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर? बोलो, डॉट मिल रहा है? चलो सॉल्यूशन की तरफ। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफोर एंगल टू इक्वल्स टू एंगल वन, क्लियर है? एंड ए बी इक्वल्स टू ए डी, टेल मी दिस इज गिवेन, ए बी इज इक्वल टू ए डी ऑल्सो गिवेन, और ए बी इक्वल्स टू ए सी ऑल्सो गिवेन, जैसा नो? तो एक बात बताओ मेरे को, दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड दिस वन इज टू, देयरफोर बाय इक्वेशन वन एंड टू, व्हेन ए बी इक्वल टू ए सी, व्हेन ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी, इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए बी इक्वल्स टू ए डी, इट मीन्स, जैसा नो? टेल मी, एल एच एस एंड एल एच एस आर इक्वल, देयरफोर आर एच एस एंड आर एच एस आर इक्वल और नॉट? क्लियर है? क्लियर है अच्छे से? आगे करें? चलो देखो, देयरफोर ए सी इक्वल्स टू ए डी, ये बात गई अंदर अच्छे से? ये बात गई अंदर अच्छे से? हैं, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी, बोल भाई, अपोजिट ऑफ ए सी एंगल नंबर फोर, एंगल नंबर फोर, और अपोजिट ऑफ ए डी एंगल नंबर थ्री। किसी को कोई डाउट यहाँ तक समझने में? तत्तीवर भी बोलो, यहाँ तक गए अंदर अच्छे से? चलो आगे बढ़ो फिर। हाँ हाँ बोलो, एंगल वन की जगह से ए डी क्यों है, ए सी से ऊपर है? एंगल वन की जगह पे एंगल है, सो वहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डी लिखे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए डी लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं, गिवन है? गिवन है सर। हाँ जी, ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन यहाँ पे है। क्लियर बाबू यहाँ तक? अब एक होल ट्रायंगल में देखो, एक कंप्लीट ट्रायंगल देखो। नाउ इन ट्रायंगल डी डी बी सी, बोल बच्चा, एंगल फोर प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, यस और नो? बिकॉज इन अ ट्रायंगल ए बी डी या डी बी सी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी 180 डिग्री, देयरफोर एंगल नंबर फोर प्लस एंगल नंबर वन प्लस एंगल नंबर दिस वन, इट मीन्स टू प्लस थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है? नाउ रिप्लेस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री, क्योंकि मेरे को निकालना है बी सी डी, बी सी डी मीन्स एंगल टू प्लस एंगल थ्री का वैल्यू, तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री, कैन आई राइट? एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री, अगेन एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, कैन आई राइट? एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, डाउट? एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू टू एंगल थ्री, एंगल टू प्लस एंगल टू इक्वल्स टू टू एंगल टू इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैन आई राइट? एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, टू इज कॉमन, देयरफोर एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन में टू। नाउ नाउ एंगल टू प्लस एंगल थ्री मीन्स, एंगल टू प्लस एंगल थ्री मीन्स एंगल बी सी डी, कैन आई राइट? लिख सकते हैं ना? तो देयरफोर एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, आ गया प्रूव्ड? ये बात समझ में आई अच्छे से? कोई डाउट? चलो